और बड़ी खबर अभी हम आपको बता दें, रांची से जहां पर ईडी दफ्तर, आज नौशाद आलम नहीं जाएंगे, साहिबगंज के एसपी नौशाद आलम आज ईडी दफ्तर नहीं जाएंगे। ईडी को पत्र लिखकर नौशाद आलम ने समय मांगा है और पुलिस मुख्यालय से सुझाव मांगने का हवाला दिया है। अवैध खनन मामले में गवाह को प्रभावित करने का आरोप लगा है उन पर और साहिबगंज के एसपी है नौशाद आलम, इसके पहले रांची से ग्रामीण एसपी रह चुके हैं। और हम आपको फिर से बता दें कि ईडी दफ्तर जो रांची के रांची में है, जोनल कार्यालय आज नहीं जाएंगे जहां पर उनसे पूछताछ होनी थी, लेकिन अब वो नहीं जाएंगे और उन्होंने पुलिस मुख्यालय से सुझाव मांगने का हवाला दिया है। और अवैध खनन मामले में गवाह को प्रभावित करने का आरोप है उन पर। और इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ फोनलाइन पर संवाददाता काजल जुड़ी हुई है। काजल, क्या था पूरा मामला आखिरकार? नौशाद आलम रांची के भी ग्रामीण एसपी रह चुके हैं और अब उन्हें ईडी दफ्तर बुलाया गया था 22 नवंबर को, लेकिन आज वो गए नहीं है, क्या है पूरा मामला? तानिया, जिस तरीके से आज उन्हें ईडी ऑफिस बुलाया गया था, ये बीते दिनों उनके नाम से एक समन जारी की गई थी और मामला हम सबसे किसी से भी छुपा हुआ नहीं है कि उन्होंने जो जो अन्य है, जो ईडी प्रभावित लोग हैं, ईडी से जिन लोगों को प्रभाव, ये जो जितने भी ऑफिसर लोग हैं सबको प्रभावित, जितने भी प्रभावित लोग हैं उन लोगों के जो गवाह है उन्हें प्रभावित करने का आरोप ईडी ने नौशाद आलम पे लगाया है। हालांकि अभी तक सारी चीजें साफ साफ नहीं हुई है और ये आज उन्हें समन जारी किया गया था, आज उन्हें जाना था 22 नवंबर को। हालांकि नौशाद आलम नहीं पहुंचे, जिस जहां वहां पहुंचने के बजाय उन्होंने एक लेटर लिखा है ईडी को और ईडी के पास से दूसरी तारीख मांगी है। बता दें आपको कि उन्होंने पुलिस मुख्यालय में अपना जो पुलिस मुख्यालय के समक्ष भी अपनी बातें रखी है और वहां पे उन्होंने सलाह मशवरा मांगा है पुलिस मुख्यालय से। जैसे ही पुलिस मुख्यालय उन्हें अपनी अपना सलाह मशवरा और जो भी उनके हिसाब से उनके पक्ष में रखा जाएगा, उसके बाद नौशाद आलम हाजिर होंगे, ऐसा नौशाद आलम ने अपने पत्र के द्वारा कहा है। वही जिस तरीके से लगातार, पहले तो वो रांची के ग्रामीण एसपी रह चुके हैं और जो वर्तमान में वो साहिबगंज एसपी है, और बातें ये भी सुर्खियां बटोर रही है कि झारखंड में ऐसा पहली बार होगा कि झारखंड के आईपीएस नौशाद आलम ही पहले होंगे जिन्हें ईडी ने समन जारी किया है और उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया। आरोप तो हम सबसे छुपा नहीं है, जिस तरीके से उन पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की है। और झारखंड में इससे पहले भी दो आईएएस अधिकारी पूजा सिंगल और छवि रंजन भी ईडी में जेल जा चुके हैं ईडी के द्वारा। अब ये देखने वाली बात होगी कि नौशाद आलम झारखंड के ऐसे पहले आईपीएस कहलाएंगे जिन्हें ईडी ने बुलाया है, ईडी ने समन जारी किया है, आगे की कार्रवाई क्या होगी। तानिया जी, धन्यवाद काजल पूरी जानकारी के लिए। और हम आपको बता दें कि 22 नवंबर को एसपी नौशाद आलम, जो साहिबगंज के एसपी और पहले रांची के ग्रामीण एसपी रह चुके हैं, उनको आज ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन उन्होंने मुख्यालय से सलाह मशवरा लेने का हवाला देकर आज वो नहीं पहुंचे हैं और ईडी को पत्र लिखकर समय मांगा है। तो देखना होगा कि आखिरकार उन्हें क्या कुछ सलाह मिलती है पुलिस मुख्यालय से, उसके बाद अगले स्टेप वह क्या लेते हैं।